हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज हेमंत उम्रेस स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ जी हाँ फुल कोर्स कंटेंट कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ा जाता है हंड्रेड परसेंट क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से मैंने कहा एक तरफा सर टेंशन की बात नहीं लेनी है मजा आएगा आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम दोनों पे हंड्रेड क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाती है अच्छा सर हंड्रेड परसेंट मैंने कहा बिल्कुल सर लिखवा लो मैग्नेट बेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल जो केजी से लेकर ट्वेल्थ तक की एजुकेशन देता है जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन एमआईक्यूज एमसीक्यूज वन शॉट क्रैश कोर्स डीपीपी पी सब कुछ मिलते हैं ए टू जेड कुछ भी ऐसा नहीं जो छोड़ा जाता है ंड्रेड परसेंट क्वालिटी एजुकेशन ई बुक्स ई नोट्स ये भी अवेलेबल होता है डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए लिंक फटाफट और वहां से अपने नोट्स को उठा लीजिए कोई दिक्कत की बात नहीं है साथ ही साथ अगर मैं बोलू तो मैग्नेट ब्रेन का हिंदी मीडियम चैनल जो क्लास सिक्स से लेकर ट्वेल्व तक की एजुकेशन देता है जिसमें सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के साथ चार स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं एमपी बोर्ड यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड बढ़िया और शानदार तरीके से मैं कह रहा हूं ना कोई दिक्कत नहीं आएगी सर अगर दिक्कत आ जाए तो बता देना अगर दिक्कत आ जाए तो बता देना सब कुछ मिलता है सर यहां पर जो सेगमेंट इंग्लिश मीडियम में है वो ही सेगमेंट हिंदी मीडियम में तो सर आज क्या है देखिए सर हाइड्रोकार्बन के इंटेक्स क्वेश्चंस चल रहे थे हाइड्रोकार्बन के इंटेक्स क्वेश्चन चल रहे थे चैप्टर नंबर नाइन जिसमें एनसीआरटी इंटेक्स क्वेश्चन क्या सर एनसीआरटी इंटेक्स क्वेश्चन और एनसीआर टी इंटेक्स क्वेश्चन में अपन ने यह देखा था कि सर प्रॉब्लम एट टू फोर्टीन प्रॉब्लम एट टू फोर्टीन अभी अपन ने सेवन तक खत्म कर दिया था अब एट से बात करनी है अब अपन को एट से आगे बढ़ना है तो मैंने कहा ठीक है सर बढ़ जाएंगे एट टू फोर्टीन कर लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली तो बोलो चालू करें क्या बिंदास तरीके से तो एक बार पेन कॉपी लेके फटाफट आ जाओ कितने लोग आ गए हैं कोई दिक्कत तो नहीं फटाफट आ जाओ फटाफट जल्दी 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 स्टार्ट करेंगे बढ़िया तरीके से खत्म करेंगे कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली डन करू चाले यस सर ये लीजिए पहला क्वेश्चन ये लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन दवर स्ट्रक्चर फर्स्ट से फोर्थ मैंने कहा लो भाई ये तो लफड़े हो गए मतलब कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेवन में आपने जो फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक के क्वेश्चन करे थे फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक के क्वेश्चन करे थे उनमें आप कैलकुलेट करिए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स क्या कैलकुलेट करिए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स मैंने कहा यार ये तो बड़ी दिक्कत की बात है ये तो बड़ी दिक्कत की बात है अब वो क्वेश्चन नंबर सेवन कहां से लाएंगे वो तो हो चुका था मैंने कहा लाया हूं <laughs> घबराना नहीं है सब लाया हूं दिखाऊं क्या नारे 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 नारे। देखो क्या कहा था मैंने सर यही था क्वेश्चन नंबर सेवन लेकिन ये नहीं करना अब अपन को निकालना है सिग्मा और पाई ठीक है चलो तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे किससे इससे सर इस कार्बन को पकड़ो पकड़ लिया इसके ऊपर एच लगाए ठीक है चीके? इसके पीछे एक सी एच थ्री लगाए तो सी एच थ्री में ऐसे ही होता है सी एच थ्री फिर एक और सी एच थ्री ठीक है, फिर आगे चलेंगे तो फिर कार्बन के साथ एक ऐसा है फिर क्या है डबल बॉन्ड फिर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है फिर सिंगल बॉन्ड फिर कार्बन के साथ ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन फिर यहां पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन ठीक है फिर डबल बॉन्ड फिर कार्बन के साथ ऊपर हाइड्रोजन ठीक है फिर कार्बन के साथ ऊपर हाइड्रोजन और उसी के साथ नीचे सी एच थ्री ये, 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 बिल्कुल ये आ रहा है सर अब इसमें बता दीजिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है सर मैंने आप लोग सब को सबको सिखाया है जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक आपका पाई बॉन्ड होता है मैंने कहा ठीक है सर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है कोई दिक्कत की बात नहीं और उसके बाद जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं और दो आपके पाई बॉन्ड होते हैं मैंने कहा ठीक है सर तो अगर अपन ध्यान से देखें सिग्मा 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 ये हुए थे फिर सिग्मा फिर सिग्मा फिर सिग्मा नीचे पाई है पाई बना लू एक बार ठीक है बस चलते रहने दो सीधे-सीधे चलते रहने दो फिर ये सिग्मा सिंगल 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 फिर सिंगल फिर यहां पर पाई आ गया ठीक है चलो सिग्मा 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 इतने सिग्मा आ रहे हैं एक बार काउंट करें कितने आ रहे हैं सर एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताइस अट्ठाईस उनतीस तीस कितने आ रहे बाबू तीस आ रहे कितने आ रहे हैं तीस आ रहे ओ इधर तो थर्टी थ्री आ रहे इधर तो थर्टी थ्री आ रहे मतलब कुछ तो गोची हो गई और गोटी पता क्या है आप लोग समझ ही नहीं पाए यहां पर सी टू एच फाइव दिया हुआ था मतलब देखो मैं बताता हूं देखो 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 थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा हाँ ये पाई तक पाई तक यहां तक अपन ने कर दिया था अब देखो <coughs> ये डबल बॉन्ड वाला ये था फिर ये कार्बन ये लगा इसके पीछे वाला ये रहा इससे ये जोड़ा ये लगा है लेकिन सर ये C2H5 था मैंने सिर्फ यहां पर CH3 बनाया तो इसको C2H5 बनाना पड़ेगा सर इसको C2H5 बनाना पड़ेगा ये बन गया C2H5 चेक कर लो सी टू एच फाइव अब ठीक है अब आ जाएगा सर आंसर अब आ जाएगा भैया तो ये सिग्मा 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 अब काउंट करो सर अब काउंट करो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उन्तीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस कितने आ रहे हैं तैतीस तो भैया यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं सर जी सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं थर्टी थ्री और पाई बॉन्ड देख लीजिए एक और दो एक और दो तो भैया दो पाई बॉन्ड आ गए चेक कर लो भाई चेक कर लो चेक कर लो जल्दी चेक कर लो आपके पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है जल्दी चेक कर लो आपके पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है इस तरीके का स्ट्रक्चर है चलो फटाफट चेक कर लो कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है डन क्लियर हो गया तो पहला क्वेश्चन सॉल्व पहला क्वेश्चन सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट अब आते हैं सेकंड पे मजा आएगा सर एक नंबर बोले तो झकास तरीके से मजा आएगा बड़े आगे ले लिया स्क्रीनशॉट ठीक है सर न आ जाओ अच्छा पीछे देख लिया था थर्टी थ्री और टू थर्टी थ्री और टू चलो 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 चलो, चलो, चलो बिल्कुल अब इसकी बारी इसको भी निपटा के मानूंगा मैं तो कार्बन लिखूंगा पहले डबल बॉन्ड कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड फिर कार्बन डबल बॉन्ड फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड फिर कार्बन डबल बॉन्ड फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड फिर कार्बन डबल मे एक बार चेक करना एक दो तीन चार पांच छह सात आठ दो चार छ आठ बिल्कुल सही है अब भैया अगर देखें वैलेंसी काउंट करो एक दो तीन चार 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 एक दो मतलब समझ आओ सबके पास ये आप हाइड्रोजन लगा दो जितनी वैलेंसी खाली है ठीक है अब काउंट करेंगे सिग्मा सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, सिग्मा 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 आप देखो पाई कितने एक दो तीन चार तो भैया आपके पास चार पाई हो रहे हैं ठीक है सिग्मा कितने हैं चेक कर लो जरा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह तो सत्रह सिग्मा है और चार पाई है सत्रह सिग्मा है और चार पाई है बोले तो झकास सत्रह सिग्मा, तो सिग्मा है और चार है बोले तो झकास सत्रह सिग्मा है और चार पाई है बोले तो झकास जल्दी 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 बिल्कुल सर सत्रह सिग्मा है और चार है बिल्कुल झकास चलो यहां पर देखो दिखाएगा वो तो सत्रह सिग्मा चार पाई बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं आगे बढ़े पक्का क्लियर है ठीक है सर डन सर कितना आसान था बेटा आसान नहीं है जब इसको कभी कभी वैसे बनाते हैं ना वैसे है बहुत इजी लेकिन कभी कभी जब बनाते बनाते चीजें भूल जाते हैं ना फिर मजा आता है बस प्यार से बनाओ हम्म अब ये बड़ी चीज आ गई सी एच टू जोड़ा इससे फिर उसके बगल में भी सीएच टू है फिर उसके पास सीएच थ्री है ठीक है फिर नीचे भी क्या है सीएच टू है फिर सी एच टू है और फिर सीएच थ्री है ये देखो अब देख लो एक बार हम्म hmm, ठीक है आप भैया काउंट करो सिग्मा 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 ये देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस सर तेईस आ रहे सिग्मा बॉन्ड है बिल्कुल और एक पाई बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड वाला है एक पाई है तो पाई बॉन्ड एक है और सिग्मा बॉन्ड तेईस है बिल्कुल झकास तरीके से जल्दी नोट डाउन कर लो सर सिग्मा बॉन्ड आ गए और पाई बॉन्ड आ गए बिना कोई प्रॉब्लम के बिना कोई प्रॉब्लम के सिग्मा और पाई बॉन्ड आ गए बढ़िया और शानदार तरीके से मैंने कहा डन मैंने कहा एक नंबर एक नंबर जल्दी नोट डाउन कर लो जल्दी नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी हो गया जल्दी 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 बिल्कुल बढ़िया तरीके से डन हो जाए तो बताइएगा जरूर क्लियर है पक्का चलो यहां देखो या देखो भाई ये भी खतरनाक होगा ये बड़ा होगा चलो बनाते हैं बिल्कुल छोटू छोटू बनाते चलेंगे मेरे साथ बताइएगा इसमें कितने होते हैं आप निकालो इसमें कितने होते हैं फिर सीएच टू फिर उसके बाद सीएच टू फिर उसके बाद सी एच टू फिर वो किससे जुड़ा हुआ है इससे सी से H फिर बगल में सी एच भाई मैं तो पूरी कोशिश कर ही रहा हूं कि कहीं कुछ छूटे नहीं आप लोग भी देखते चलना ठीक है उसके बाद CH डबल बॉन्ड हां सी उसके बगल में फिर सी एच टू फिर यहां पर सी एच फिर यहां पर सी एच थ्री और यहां ये, जहां पर डबल बॉन्ड था ऊपर भी था सी एच टू और ऊपर सी एच थ्री ये देख लो एक बार मैच करेंगे सीएच थ्री सी एच टू सी एच टू दो सी एच टू हो गए तीसरा सी एच टू वहां से सिंगल बॉन्ड पे आप यहां पहुंचे नीचे सी एच थ्री लगा इसके बगल में फिर सी एच आया फिर डबल बॉन्ड से सी आया ऊपर सी एच टू सी एच थ्री फिर बगल में सी एच टू फिर बगल में सी एच आया सी एच से जोड़ा सी एच थ्री और बगल में जोड़ा सी एच थ्री बिल्कुल सही है सर अब निकाल लो मेरे हिसाब से पाई तो एक ही है पाई तो एक है। सिगमा ही सिग्मा खेलना है सिग्मा 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 सिगमा सिगमा <Sang> सिग्मा 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 फिर सिग्मा 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 भाई ये सारे सिग्मा 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 बॉन्ड ठीक है उसके बाद सिग्मा 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 बिल्कुल और एक ही पाई है इसके अलावा कुछ भी नहीं है एक ही पाई है और वो ही है तो भैया पाई बॉन्ड तो एक मिल गया अब सिग्मा काउंट कर लो सर काउंट करने में ज्यादा टेंशन है चलो देखो ऐसे काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताइस अट्ठाइस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनचालीस चालीस इकतालीस भाई फोर्टी वन आ रहे हैं मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो फोर्टी आ रहा है बाकी आप बताओ यस yes, फोर्टी और पाई बॉन्ड एक है फोर्टी और पाई बॉन्ड एक है देख लो भाई तो बेटा ये होता है अगर थोड़ी सी भी दुर्घटना घटी भाई अगर सावधानी आपने इधर उधर करी थोड़े से में ही दुर्घटना खेल लग जाते हैं। कुछ नहीं कर पाते खेल लग जाते बढ़िया तरीके से कुछ भी नहीं कर पाते डन बात समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं तो इंपॉर्टेंट बात है बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है बढ़िया तरीके से सुनते चलना है और बढ़िया तरीके से सॉल्व करना है जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं जल्दी स्क्रीनशॉट लो हो गया डन चलो क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन भाई अगर आप ध्यान से देखो तो राइट स्ट्रक्चर एंड आईपीएस करस्पॉन्डिंग टू सी फाइव एच टेन पहले सी फाइव एच टेन को थोड़ा देख लो सर ये मैच किससे कर रहा है क्या ये अल्किन की बात कर रहा है तो अल्कीन में हमारा एक फॉर्मुला होता है सी एन एच टू एन क्या मैच कर रहा है क्या जी हाँ सर एन की वैल्यू फाइव रख सकते हैं तो काम हो जाएगा सी फाइव एच टेन बिल्कुल मैच कर रहा है सर तो इस हिसाब से चले तो सी एच थ्री होगा फॉर्मूला इसको कहते हैं पेंटीन इसको कहते हैं पेंटीन या पेंट वन इन यह भी कह सकते हैं कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होती है बिल्कुल 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 कोई दिक्कत की बात नहीं है पेंट वन इन देखो तीन दो पांच दो सात एक आठ और दो दस बिल्कुल 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 लाजवाब एक नंबर चलिए भैया भैया इसके आइजोमर बनाने रे स्ट्रक्चर आइजोमर में सब आता है चेन भी आ जाएगा पोजिशन भी आ जाएगा तो भैया ये देख लो ठीक है अब देखो भैया जी इसमाइल चेक करके बताओ देख लो भाई वन और टू वन और टू वन और टू पेंटीन पेंट टू इन चलो थर्ड वाला देखना प्यारा बनाता हूं प्यारा जल्दी 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 यही होना चाहिए तीन छ नौ एक दस ठीक है सर क्या नाम होगा इसका इसका नाम क्या होगा सर टू मिथाइल तो कंफर्म है और पेन टू इन भी हां हां ब्यूट टू इन क्या हो जाएगा टू मिथाइल ब्यूट टू इन टू मिथाइल ब्यूट टू इन बिल्कुल टू मिथाइल ब्यूट टू इन बिल्कुल सर टू मिथाइल ब्यूट टू इन बिल्कुल सर मैंने कहा ठीक है मैंने कहा ठीक है सर यह चेक करो यह चेक करो एक दो तीन पांच छह सात आठ नौ दस ठीक है क्या हो जाएगा टू मिथाइल ब्यूट वन इन टू मिथाइल ब्यूट वन इन टू मिथाइल ब्यूट वन इन टू मिथाइल ब्यूट टू इन बिल्कुल मैंने कहा ठीक है सर अब एक काम करते इधर रख के देख लेते आ जाओ भाई मैं हर पॉसिबल वेस्ट करने को तैयार हूं आपके पास आप करो तो सर आओ तो आप आप आओ तो आओ तो तो, तो यहां पर देखिए एक दो तीन चार तो कितना हो जाएगा तीन पे मिथाइल तो थ्री मिथाइल कितने कार्बन है चार तो ब्यूटीन थ्री मिथाइल ब्यूटीन अब एक बार चेक कर लो सर अब चेक कर लो मेरे हिसाब से पांचों नाम अलग है तो पांचों कहलाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर पांचों कहलाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर पांचों कहलाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर एक बार देख लो सर सटीक तरीके से देख लो मजेदार शानदार लाजवाब कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आती है ठीक है पहला दूसरा तीसरा चौथा और यह पांचवा और यह पांचवा मैंने कहा ठीक है सर मैंने कहा डन मैंने कहा डन 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 कोई तकलीफ तो नहीं कोई परेशानी तो नहीं चलो बिल्कुल हो जाए तो बताइएगा जरूर हो जाए तो सीधे बताइएगा अपन आगे बढ़ेंगे वन टू थ्री फोर फाइव पांचों क्वेश्चन बढ़िया तरीके से खत्म एक तरफा डन डना डन डन ठीक है एक बार चेक करवाना है तो पीछे चेक कर लेते रुको इसको थोड़ा सा पता है कल्टी में लेके चलना पड़ेगा यहां रखो हाँ अब चेक करो पेंटीन पेंट टू इन टू मिथाइल ब्यूट टू इन ये तीनों ये तीनों गए ठीक है अब आगे देखो भाई साहब आपको अटने का समय आ गया है थ्री मिथाइल ब्यूट वन इन थ्री मिथाइल ब्यूट वन इन ये हो गया टू मिथाइल ब्यूट वन इन वो ऊपर वाला हो गया पांचों सही है कोई दिक्कत की बात नहीं यस मतलब सही कर रहा हूं सर कल तो सही रहा हूं तो सर क्वेश्चन नंबर एट नाइन दोनों समाप्त अब आते हैं आगे क्या बोल रही है क्या बोल रही है क्या बोल रही है बिल्कुल ड्रॉ ट्रांस आइजोम मैंने कहा ठीक है सर ड्रॉ सिमर ऑफ कंपाउंड ऑल्सो राइट देअयूपीएससी नेम्स क्या लिखना है आई यूपीएससी नेम्स बिल्कुल सर कोई जाएगा नहीं यहां पर बैठे रहने का बिल्कुल बात वाली बात है भाई और अगर आज चले गए ठीक है अगर किसी ने पूरा नहीं पढ़ा और अगर आज चले गए तो समझ लेना बेटा खेल खत्म है ना फिर मुझसे मत कह देना सर कि ये भी करवा दो ये भी करवा दो ये बात याद रखना बिल्कुल ये समझ लीजिए और चले जाइए कोई दिक्कत की बात नहीं है सर जाओ पहले इसको निपटाते डबल बोर्ड ये देखो क्या तो डायग्राम बनाया ओई, गजाब। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सर दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड दोनों क्लोरीन एक ही साइड सर जी हम्म जब आंखें सामने होती हैं एक दूसरे को देखती रहती है तो इसको क्यूट कहते हैं अपन क्यूट सिस इसको कहते हैं अपन सिस जब एक ही साइड होते हैं मतलब आमने सामने एक ही जगह के मालिक हैं देखो ये भी यहां ये भी यहां ये एक ही एक ही द्वार वाले और ये भी एक ही द्वार वाले तो इनको अपन क्या कहते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन अच्छा और अगर पलट जाए तो किधर पलटा रहा भैया किसको मतलब ये देखो ये क्या ये ये, है, ये, है, ये है एच कर लिया यहां और ये वाला एच यहां आ गया ये वाला सीएल आ गया, और ये वाला सीएल आ गया। तो अब जो दिख रहा है ना अब दिख रहा है अपोजिट क्या दिख रहा है अपोजिट ये देखो अपोजिट ये अपोजिट। और सर अगर आप जानते हो तो आपने देखा होगा ऐसी ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं क्या नहीं कहते ऐसी देखो एकदम भैया अच्छा कलर लेके आना रही ये देखो लाइन दिख रही है ऐसी यहां पर मिल रहे हैं अपोजिट मिलते हैं अपोजिट वाले को नाम दिया जाता है ट्रांस अपोजिट वाले को नाम दिया जाता है ट्रांस जब भी अपोजिट मिलेंगे तो ट्रांस और एक ही साइड मिलेंगे तो सिस एक ही साइड मिलेंगे तो क्या हो जाएगा सिस जल्दी 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 फटाफट चलो हुआ क्या नहीं हुआ अगर हो गया हो तो बता दो चलो बिल्कुल चल ये इसको थोड़ा तो सेट कर लू ये देखो सेस और ट्रांस हो गया अब अगले वाले की बारी ये दिख रहा है यहां पर सी एच थ्री यहां पर सी टू एच फाइव यहां पर भी सेम सी एच थ्री सी टू एच फाइव बिल्कुल सर कुछ दिख रहा है हां सर एक ही साइड वाले दिख रहे हैं और एक ही साइड वाले को तो आपने अभी सिखाया सर सेस कहते हैं क्या कहते हैं सिस और अगर अपोजिट हो जाए कहां हो जाए अपोजिट 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 मतलब अपोजिट मतलब यहां सी टू एच फाइव आ जाए ये इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट जब अपोजिट होता है तो इसको अपन कहते हैं ट्रांस क्या कहते हैं ट्रांस और जब सेम साइड होता है तो इसको अपन क्या कहते हैं सिस। बिल्कुल सर लिखवा लो सर यही आंसर लिखवा लो सर यही आंसर फटाफट नोट डाउन करेंगे इसको जल्दी नोट डाउन करेंगे बढ़िया तरीके से डिग टू जल्दी 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 हो गया डन सर मैच कर लो अगर भैया एक ही साइड होते हैं तो उसको कहते हैं सिस अच्छा नाम भी लिखना था भैया नाम की गलती हो गई अयो पेले पे क्लोरीन दूसरे पे क्लोरीन वन टू डाइक्लोरोमीथेन इथेन तो ये क्या लाएगा सिस वन टू डाइक्लोरोन ठीक है इथिन और यहां पर अपोजिट आ गया तो वन टू डाइक्लोरोन बस मैं आपको यहां पर सिस और ट्रांस समझा रहा था देखो अपोजिट दिख रहा है क्या नहीं ये तो इसको कहेंगे ट्रांस और यहां पर सेम सेम दिख रहे हैं तो क्या कहेंगे मैंने बनाया इधर आ जाओ सेम जगह पे दिख रहे हैं तो फिर से सिस आ गया और अगर अपोजिट दिख रहे हैं तो क्या कहलाएगा सर फिर से ट्रांस बिल्कुल बस नाम रह गया था बाकी सब तो मैंने करवा दिया था नाम रह गया था बाकी सब तो मैंने करवा दिया था कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आइए बिल्कुल कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आई है जल्दी नोट डाउन करेंगे जल्दी फिर मैं इसका नाम ऊपर वाले का तो बता दिया नीचे वाले का नाम करवा देता हूं चलो देखो नारना रना। भाई एक ही चेन के लाइए वो अभी आड़ी तेड़ी है लेकिन अपन उसको सीधी लिख सकते हैं एक दो तीन चार पांच पांच कार्बन है सेकंड पे डबल बॉन्ड है मतलब भैया पांच है क्या ए, ए भाई साहब क्या कर रहा है क्यों बड़ी चेन लेने का मांगता तो यहां से गाड़ी जाएगी ओ हो क्योंकि ऐसे में कितने कार्बन आ रहे एक दो तीन चार पांच हेक्स थ्री पे लगा थ्री इन हेक्स इन बिल्कुल सर और देखिए थ्री और फोर पे डायमिथाइल है तो थ्री फोर डाई मिथाइल हेक्स थ्री इन ये देखिए थ्री फोर डाय मिथाइल हेक्स थ्री इन थ्री फोर दाए मिथाइल हैक्स थ्री इन तो यहां पर सिर्फ लिखा जाएगा यहां पर ट्रांस लिखा जाएगा कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आएगी जल्दी देख लो सर सर जल्दी देख लो फटाफट जल्दी देख लो कोई दिक्कत की बात हो तो बताओ मेरे हिसाब से तो चीजें क्लियर है डन कोई दिक्कत तो नहीं पक्का डन एक नंबर ना भाई ठीक है एक नंबर ना कोई दिक्कत की बात तो नहीं है पक्का ना चलो अब आगे चलते हैं सर जी नेक्स्ट वाले पे ये क्या कह रहा है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ट्रांस आइजोमेरिज्म कौन सा सिस्ट्रांस दिखाएगा और कौन सा नहीं दिखाएगा मैंने कहा ठीक है सर ले आओ मैंने कहा पकड़ के एक एक को। इसके पास दो लगे ठीक है डबल बॉन्ड सी इसके पास एक एच लगा है, इसके पास एक सी टू एच फाइव लगा है। मैंने कहा ठीक है सर अगर आप ध्यान से देखो है ना ध्यान से देखना ज्यादा नहीं देखना ध्यान से देखना सर क्या अपोजिट करोगे ये दोनों एक ही कार्बन पे लगे एक साइड होता तो अपन करते हां कुछ मतलब इसके साथ वाला यहां होना था या इसी के साथ वाला अपोजिट होना था कुछ भी नहीं दिख रहा सर मिथाइल के अपोजिट मिथाइल भी नहीं है मिथाइल के साथ में भी मिथाइल नहीं है तो सर ये ना तो सिस दिखा पाएगा ना तो ट्रांस दिखा पाएगा नहीं दिखा पाएगा सर क्योंकि ना अपोजिट में कोई मैच कर रहा है ना साथ में कोई मैच कर रहा है तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा ना तो सिस ना तो ट्रांस तो भैया पहला वाला तो नहीं दिखा पाएगा दूसरे वाले को देख लो सर यहां पे भी यही लफड़े हो गए यहां पे भी यही लफड़े हो गए देखो यहां एच अपोजिट में देखो तो यहां पर क्या है बी आर है फिर से मैच नहीं कर रहा है और यहां भी मैच नहीं कर रहा है सामने भी मैच नहीं कर रहा है क्योंकि सर सेम ग्रुप दे दिया दोनों साइड पे तो सर कुछ भी कर लो यहां पर इसको पलटाओगे तो भी कुछ नहीं होगा तो ना तो सि आएगा और ना तो ट्रांस आएगा ना तो सिस आएगा ना तो ट्रांस आएगा मतलब ये भी गया ये भी गया भैया ये भी गया बिल्कुल ये भी गया कोई दिक्कत की बात नहीं है डन मैंने कहा ठीक है सर आपकी बात सराखों पे, आपकी बात सराखों पे। मान लेते हैं आपकी बात अब अगली वाले पे आ जाते हैं अब अगले पे आ जाते हैं जरा समझ लेते हैं अब अगले पे आ जाते हैं इन दोनों को हटाते हैं ऊपर वाले दोनों तो कट गए मतलब ये दोनों तो नहीं है ये दोनों तो नहीं है अब आ जाओ ये सी सिक्स एच फाइव वाले पे तो कार्बन पे एक साइड एच बिल्कुल फिर डबल बॉन्ड सी यहां पर एच यहां पर सी एच थ्री बिल्कुल देखो ये दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है हाँ सर दिख गया अब सर अगर आप ध्यान से देखे तो इधर पे तो मैच कर गया देखा मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बिल्कुल सर और अगर एक भी मैच कर रहा है तो इसको अपन कहेंगे सिस इसको क्या कहेंगे सिस अब अगला वाला देखो अगला वाला बनाओ सर सर मैं यही कह रहा था कि अगर मैच करेगा ना तो करेगा बिल्कुल करेगा ये देखो अब इसको पलट दो यहां पर सी एच थ्री यहां पर सी सिक्स एच फाइव अब ये देखो ये अपोजिट में ही मिल गया मिल गया अपोजिट होता है तो क्या कहलाता है ट्रांस तो सर ये तो दिखाएगा भाई थर्ड वाला तो दिखा रहा है थर्ड वाला तो दिखा रहा है बिना कोई दिक्कत के थर्ड वाला तो दिखा रहा है बिना कोई दिक्कत के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी थर्ड वाला तो दिखा रहा है बिना कोई प्रॉब्लम के कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी मैंने कहा ठीक है सर सर थर्ड वाला तो दिखा रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है अब बारी है फोर्थ की अब बारी है फोर्थ की कोई दिक्कत की बात नहीं है अब बारी है फोर्थ की ठीक है भाई अब बारी है किसकी फोर्थ की इस वाले की मैंने कहा ठीक है मैंने कहा समझते हैं मैंने कहा समझ लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है इसको देखो जरा सीएच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एल सर मैच कर गया सर ये देखिए सी एच थ्री सर सी एच थ्री मैच कर गया कर गया क्या नहीं कर गया नीचे जाए बाहर में जब एक ही साइड है तो क्या लाएगा? सिस. क्या लाएगा क्या लाएगा सिस मैंने कहा इसको अच्छे से रखो थोड़ा यहीं बगल में ट्रांस बनाएंगे अब देखो क्या हो जाएगा सी एच थ्री नीचे एच इधर पे सी एल इधर पे सी एच थ्री अब अगर आप ध्यान से देखो तो यस के अपोजिट में है क्या नहीं है और अगर अपोजिट में है तो क्या कहलाएगा सर ट्रांस क्या कहलाएगा ट्रांस ये देखिए साथ में है तो सिस, अपोजिट में है तो ट्रांस तो मतलब सर थर्ड और फोर्थ दोनों दिखा रहे थर्ड और फोर्थ दोनों दिखा रहे हैं रुक जाओ इतना छोटा भी नहीं करना था रे ठीक है ये लो ये भैया थर्ड और फोर्थ को देख लो क्या बोल रहा है थर्ड और फोर्थ इन स्ट्रक्चर वन और टू टू आइडेंटिकल ग्रुप्स आर अटैच टू वन ऑफ द बॉन्ड कार्बन एटम मतलब वन और सेकेंड नहीं दिखाएगा लेकिन आपका थर्ड और फोर्थ दिखा देगा कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है थर्ड और फोर्थ दिखा देगा आपकी कोई दिक्कत की बात नहीं है आप चालू करो ठीक है, है कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है बस कोई भी दिक्कत की बात यहां पर नहीं है तो थर्ड और फोर्थ इज द राइट आंसर थर्ड और फोर्थ इज द राइट आंसर पक्का क्लियर है डन ठीक है थर्ड फोर्थ दिखा रहा है अपन को सिस्टम फर्स्ट और सेकंड नहीं दिखा रहा है फर्स्ट और सेकंड नहीं दिखा रहा है कोई दिक्कत की बात वहां तक नहीं आ रही मैंने कहा ठीक है सर मैंने कहा डंडन डन डंडन चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी फटाफट जल्दी देखो जल्दी क्या बोल रहा है राइट आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑप्टेन बाय एडिशन रिएक्शन ऑफ एच बी आर टू हेक्स वन इन भैया यहां पर देखो एक बार एच बी आर के प्रेजेंस में होगा और एक बार एच बी आर के प्रेजेंस में नहीं होने वाला देखो ना देखो एचबीआर तो रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड और इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड चलो तो देख लेते हैं आज चलो यार खत्म कर देते हैं यार है ना इतना तरपाना नहीं चाहिए भैया इसको फटाफट अभी निपटा के जाते हैं एक नंबर तरीके से राइट आईपीएस बाय एडिशन टू मैंने कहा ठीक है भाई एच बी आर मतलब एक्स वन इन को ऐड करना है एक्स वन इन को ऐड नहीं करना मैं भी क्या बोल रहा हूं पता तो नहीं क्या क्या बोल देता हूं कभी कभी ये चार हो गया ये देखो ये दिख रहा है अब इसमें कितना ऐड करना है एचपीआर कितना ऐड करना है एचपीआर मैंने कहा ठीक है सर और सर किसके एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड मतलब परऑक्साइड नहीं है नॉर्मल है तो सर मैंने कहा था जब परऑक्साइड नहीं होता है तो कौन सा रूल लगता है सर जी मार्कोनिक ऑफ रूल और मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है सर बता दो जल्दी जल्दी बता दो भैया क्या होता है मार्कोनिक ऑफ रूल मार्कोनिक का रूल सर हमें शिवाजी बॉस ने सिखाया था न क्या पढ़ाया था मैंने भैया पुअर गेट्स पुअर और रिच गेट्स रिचर अमीर को और अमीर बनाओ और गरीब का धुआं निकाल दो भैया गरीब को और गरीब बना दो मतलब गरीब का मतलब जिसके पास नेगेटिव है, कम है

तो सर आपने रूल जो बताया कि रिच के पास और रिच मतलब जो एच है वो जाएगा इसके पास और जो बी है वो किसके पास जाएगा इसके पास मैंने कहा ठीक है मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल चलो सी एच थ्री और वेरी गुड और और ठीक है फिर यहां पर क्या जाएगा यहां पर कौन आ रहा है बी आ रहा है ठीक है ये बीआर आ गया और इधर पे अरे एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर ये बनेगा सर और इसको कहेंगे एक दो तीन चार पांच छह टू ब्रोमो हेक्सेन टू ब्रोमो हेक्सेन ब्रोमो हेक्सेन भैया जल्दी देख लो टू ब्रोमो हेक्सेन चलो टू ब्रोमो हेक्सेन कोई दिक्कत की बात नहीं है तो भैया यह हमारा फर्स्ट वाले का आंसर है किसका है फर्स्ट वाले का कि जब हमारा क्या रहेगा कोई भी परऑक्साइड वगैरह नहीं है तो तब आ रहा है टू ब्रोमो हेक्सेन पहले स्क्रीनशॉट ले लो यहां पर लगा है मार्कोनिको रूल अब मैं इसको छोटू छोटू करके रख लेता हूं अरे क्या हो गया वही मैंने कहा चल क्यों नहीं रहा भाई चलो इसको थोड़ा सा छोटू करके मार्को ऑफ हो गया ना ठीक है ना ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर ये है फर्स्ट वाले का आंसर मैंने कहा ठीक है सेकंड वाले पे आ जाओ क्या बोल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ परॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ पर मैंने कहा ठीक है सर परॉक्साइड के प्रेजेंस में खेल लेते हैं किसके प्रेजेंस में खेल लेते हैं पर के प्रेजेंस में बिल्कुल पूरा सेम है चलो ये लो भैया पर आ गया दिख रहा है परऑक्साइड को ऐसे भी बताते एच टू ओ टू ऐसे भी बताते हैं परोक्साइड को एच टू ओ टू भी परऑक्साइड है और ये भी परऑक्साइड मैंने कहा ठीक है समझो ए समझो रे समझो अच्छा सर जब भी परऑक्साइड आता है ना तो पता है कौन सा रूल लगता है एंटी मार्कोनिक ऑफ क्या लगता है एंटी मार्कोनिक और ये जस्ट उससे अपोजिट होता है, है? को पुअर बनाओ, और वाले को बनाओ. <laughs> देख रहे संतुलन बराबर रहना चाहिए क्या सर संतुलन बराबर वो सॉरी संतुलन बना रहना चाहिए तो भैया सबको बराबर मात्रा से अपन देने वाले मैंने कहा ठीक है सर मैंने कहा दो कंटाप सर सब में दो मिला मिला के क्या सम में दो सीधे सटा सट। है <coughs> तो सर अभी देखो अमीर गरीब तो वैसे ही होंगे अभी तो यही अमीर है पुअर है।, है? है लेकिन आपके रूल के तहत कुछ कुछ बदल जाएगा पुअर को रिच बनाना है तो एच इसके पास और बी आर इसके पास मैंने कहा चलो बनाओ सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू चार हो गए CH2, फिर इसके पास एच सी और आ जाएगा CH2Br. टू बी आर तो ये देखिए सर उसमें बना था टू ब्रोमो हेक्सेन और इसमें बनेगा ब्रोमो हेक्सेन इसमें क्या बनेगा सर ब्रोमो हेक्सेन इसमें क्या, -ब्रोमो -हेक क्या बना था टू ब्रोमो हेक्सेन क्या बना था टू ब्रोमो हेक्सेन इसमें क्या बनेगा ब्रोमो हेक्सेन कोई दिक्कत की बात नहीं है ब्रोमो हेक्सेन कोई दिक्कत की बात नहीं है चलो भाई भाई चलो 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 जल्दी 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 हो गया डन डन डना डन डन चलो एंटी मार्कोनिक ऑफ क्या था बता दिया चलो ये सेकेंड है ये फर्स्ट है ये फर्स्ट और ये सेकेंड कोई दिक्कत की बात तो नहीं है चेक कर लो एक बार चेक कर लो सर चलिए हो गया हो गया कोई दिक्कत तो नहीं है यहां देखिए प्यार से सर जब परऑक्साइड नहीं था नो परऑक्साइड क्या था नो परऑक्साइड जब परऑक्साइड है ही नहीं क्या नहीं है सर परऑक्साइड है ही नहीं जब परऑक्साइड है ही नहीं तो फिर क्या करें सर

जल्दी 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 इसको चेक कर लीजिए फटाक से कोई दिक्कत तो नहीं है जल्दी स्क्रीन लो इसका ले लिया इसका स्क्रीन ले लिया इसका स्क्रीन कोई दिक्कत की बात तो नहीं है पक्का डन जल्दी जल्दी, जल्दी। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे चलो हो गया बिल्कुल डन ये देखिए ये फाइनल आंसर था ठीक है अब आ जाओ भैया क्या बोल रहे हो अभी निपटाता हूं उसको अभी निपटा के देता हूं कोई दिक्कत की बात नहीं है जल्दी देख लो पहले एक बार जल्दी 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 पक्का क्लियर है यहां तक पक्का क्लियर है यहां तक देख लो एक बार भाई तभी मजा आने वाला है बिल्कुल 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 राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइजोमेरिज्म Corresponding to टू द फिफ्थ मेंबर ऑफ series, सीरीज फिफ्थ मेंबर ऑफ series, सीरीज ऑल्सो राइट names ऑफ ऑल द isomers. वॉट टाइप ऑफ isomerism is exhibited by different pairs of isomers? Different pairs of isomers. मैंने कहा ठीक है सर मैंने कहा ठीक है सर मैंने कहा एक तरफा बात कही है सर सर अलकाइन का फिफ्थ मेंबर की बात करी गई है किसके फिफ्थ मेंबर की बात करी गई है अलकाइंस के फिफ्थ मेंबर की बात करी गई है किसके फिफ्थ मेंबर की बात करी गई है अलकाइंस के फिफ्थ मेंबर की बात करी गई मैंने कहा ठीक है सर मैंने कहा एक नंबर बात हो जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अलकाइंस के फिफ्थ मेंबर में सर देखिए अलकाइन का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो दो कार्बन से होता है देखिए सर अल्काइन का फर्स्ट मेंबर जो होता है वो दो कार्बन से होता है ठीक है जैसे मैं अगर आपको बोलूं तो अल्काइन का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है ठीक है अब इसका जो फर्स्ट मेंबर वो चालू होता है एन इक्वल टू टू से सर ट्रिपल बॉन्ड में क्या फर्स्ट मेंबर आएगा नहीं आएगा करके देख लो फर्स्ट मेंबर लगाओ टू तो यह आता है सी टू एच फोर नहीं सी टू एच टू ये होता है जिसको अपन ऐसे लिखेंगे ये सी टू एच टू होता है मैंने कहा ठीक है सर मैंने कहा बिल्कुल सही बात है सी टू एच टू सी टू एच टू मैंने कहा बिल्कुल सही है सी टू एच टू तो अगर मैं आपसे बात करूं n इक्वल टू देखो यार फर्स्ट मेंबर मिल रहा है दो कार्बन से तो सेकंड मेंबर मिलेगा तीन कार्बन से थर्ड मेंबर मिलेगा चार कार्बन से फोर्थ मेंबर मिलेगा पांच कार्बन से और छठा मेंबर मिलेगा, सॉरी फिफ्थ मिलेगा छह कार्बन से मतलब यहां पर सिक्स रखिएगा सी सिक्स एच ट्वेल्व माइनस टू टेन यह होगा हो सर आपका यह कहलाएगा आपका फिफ्थ मेंबर यह होगा आपका फिफ्थ मेंबर है ना फिफ्थ मेंबर ऑफ सीरीज बिल्कुल सर तीन चार ये होगा फिफ्थ मेंबर ये देखिए एक दो तीन चार पांच छह तीन दो पांच दो सात दो नौ एक दस ठीक है आप चाहो तो चेक कर लो सर ये देखो हेक्स है, वन आइन हेक्स वन आइन जल्दी इसको एक बार नोट डाउन कर लो हेक्स वन आइन जल्दी एक बार नोट डाउन कर लो हेक्स वन आइन <coughs> हेक्स वन आइन एक बार जल्दी नोट डाउन करके देख लो हैक्स वन आई कोई दिक्कत ये है जिसकी बात हो रही है सी सिक्स एच टेन ठीक है ठीक है कि नहीं है जल्दी देखो क्या है सी सिक्स एच टेन सी सिक्स एच टेन ठीक है चलो इसका आइसोमेरिज्म की बात कर रही है किसकी बात कर रहे हैं आइजोमेरिज्म की मैंने कहा ठीक है सर तो पहला तो भैया यही बन गया है नाइन पहला तो यही बन गया हेक्स वन आइन मैंने कहा ठीक है सर मैंने कहा डन दूसरे का क्या सर कुछ तो होगा दूसरे का मैंने कहा ठीक है दूसरा भी निकाल देते हैं ये हो गया हेक्स वन आइन तीसरा दूसरा निकाल देते देखो दूसरा निकाल देते हैं बिल्कुल सी एच टू सी एच टू अब यहां देखो c ट्रिपल बॉन्ड c सी एच थ्री देखो कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत एक दो तीन चार पांच छह यह हो जाएगा भैया हेक्स टू आईन हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा बिल्कुल सर बिल्कुल सर बिल्कुल मैं पता है पूरे नहीं बनाऊंगा मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा दो तीन मैं बनवा रहा हूं बस आपसे एक आएगा थर्ड वाला अब आप एक काम करो उसको थर्ड पे लगा लो सर भाई देखो यार दिमाग लगाएंगे ना बहुत बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा यह देखिए क्या आ रहा है, है? थ्री ये तीन तो बना दिए सर अब आप लोग जानते हो सर बस इनकी पोजीशन चेंज करो कहीं पर किसी को ब्रांचिंग में रखो किसी को ब्रांचिंग से हटा दो जैसे ही आप ये ब्रांचिंग वाला फंडा खेलोगे अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएंगी अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएंगी कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी बिल्कुल सटीक तरीके से कोई दिक्कत की बात नहीं है मैंने कहा ही था सर आपको डरने की बात नहीं है आपको डरने की बात नहीं है <coughs> जल्दी देख लो सर मेरे हिसाब से तो क्लियर होगी चीजें डन क्वेश्चन नंबर थर्टीन है इसके बाद लास्ट चीज तो बाकी है भैया फोर्टीन ही तो है लास्ट चीज तो बाकी है इसके बाद फोर्टीन ही तो है ठीक है अब देखो बाकी के मैं दिखाता हूं आपको बाकी के मैं दिखाता हूं आपको बढ़िया तरीके से देखिए ये तीन तो बन गए ना हेक्स वन आइन हैक्स टू आइन हैक्स, हैक्स थ्री आइन कोई दिक्कत चलो हटाओ पहले तो यही चेक करो पहले तो यही चेक करो ये तीनों लिखे हुए पहले इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो यही लिखे हुए हैं इसका स्क्रीन शॉट लो जल्दी।, जल्दी 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 पहले तो यही लिखे हुए हैं इसका स्क्रीन शॉट लो तब तो बात आगे बढ़ेगी तब तो बात आगे बढ़ेगी कोई दिक्कत की बात नहीं है <coughs> हो गया चलो आगे देखते हैं आप अब देखो सर एक ब्रांचिंग में ले गए वो कहां ले गए ब्रांचिंग में ये यहां हाँ पहुंच गए अब देखो चेन हो गई पांच कार्बन की तो ये भी आइसोमर में पहुंच गया कितने कार्बन हो गए एक दो तीन चार पांच मतलब पेंटाइन क्या हो गई भैया पेंट और थर्ड नंबर पे लगा मिथाइल तो क्या हो गया थ्री मिथाइल पेंटाइन ये फोर्थ आइसोमर ये क्या है आपका फोर्थ आइजोमर ठीक है अब देखो ये कहां पर लगा था थर्ड नंबर पे लगा था इस पे टिका दो तो फोर वाले पे ये देखो चेन उत्ती है पेंट वन आइन वही है लेकिन फोर पे आ गया तो देखिए फोर मिथाइल

यहां से दूसरा नंबर ये हो जाएगी पेन और भैया कौन से नंबर पे कार्बन लगा हुआ है एक दो तीन चार तो फोर मिथाइल पेन देखिए फिर से नाम पलट गया फिर से नाम बदल गया सर चेक करके देखो फिर से नाम बदल गया चेक करके देख लो सर चेक करके देख लो नाम बदल चुका है और नाम बदल गया तो काम बदल गया सर काम बदल गया सर अब देखो अब एक काम करो थ्री पे रख लो रखो थ्री पे रखो इसको पीछे कर लो थ्री पे रख लो जैसे ही आप थ्री पे रखोगे काम हो जाएगा देखो मैंने फिर कहा था ये देखिए थ्री पे रख दिया एक दो तीन चार चार कार्बन की चेन बना दी भैया चार कार्बन मतलब ब्यूटाइन और अपन देखे तो वन टू थ्री थ्री पे दो मिथाइल लगे तो थ्री थ्री डाई मिथाइल ठीक है पोजिशन एंड चेन आइजोमेरिज्म शोज बाई डिफरेंट पेयर्स तो देख रहा इधर पे बात ही हो रहा है एक तो चेन बड़ी हो गई थी, तो चेन भी दिख गया, और भैया था, रहा था तो उसके वजह से भी हमें पोजिशन चेंज करनी पड़ रही थी कोई दिक्कत की बात तो नहीं है जल्दी देख लो सर सर जल्दी देख लो ये यहां पर हो गया थर्टीन क्वेश्चन खत्म पूरा दिखाना क्या एक बार पीछे से देखो ये देखो दिखा? देखो ये देखो ये थर्टीन हो गया एक बार स्क्रीन शॉट देख लो चलिए तो ये हो गया था अब आते हैं सर फोर्टीन पे बढ़िया क्वेश्चन है वैसे मैं अगर आपको बोलूं तो इतना परेशान आपको करेंगे नहीं क्योंकि ये ट्वेल्थ में थोड़ा तगड़ा हो जाता है लेकिन ठीक है अब आपको दे दिया है तो झेलना तो पड़ेगा झेलना तो पड़ेगा आप खुद सोचिए सर इथेनोिक इथेनोक एसिड की बात करिए किसकी बात करिए इथनोइक एसिड की इससे अपन को क्या बनाना है बेंजीन बनाना है दो कार्बन छह कार्बन फर्क पड़ता भैया तो सर क्या करना पड़ेगा बेटा मेरे को एनी हाउ पता क्या चाहिए अल्काइन पता क्यों मैंने आपको हाइड्रोकार्बन पर पढ़ाया हुआ है कि अल्काइन से बेंजीन बनाया जा सकता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन तो आपको यह बनाना है सर यहां पहुंचना है आपको बिल्कुल तो पहले तो इसको सोडियम एसीटेट में पहुंचाएंगे सोडा आज बहुत खासी चल रही है सोडा लाइम की मदद से अपन क्या पहुंच जाएंगे मीथेन पे फिर मीथेन का अपन करवाएंगे क्लोरीनेशन उससे वुड्स रिएक्शन लगा के दो कार्बन करवाएंगे फिर एल्कोहलिक डबल बॉन्ड लेके आएंगे और फिर करके ट्रिपल बॉन्ड लेके आएंगे तब जाके ये रिएक्शन हो पाएगी ये रिएक्शन आसान नहीं है इसमें मतलब आसान वाली बात कुछ भी नहीं होती बस थोड़ी मेहनत ज्यादा है क्या है सर जी इसमें मेहनत ज्यादा है मैंने कहा ठीक है सर तो देख लेते हैं ये देखिए इस तरीके से तो मैं एक एक स्टेप आपको समझाते हुए चलूंगा पहले अपन को क्या करना है देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है <coughs> इसकी रिएक्शन एन तो कुछ नहीं होता एच टू निकल जाता है यहां पर एन लग जाता है मतलब सोडियम एसिटेट क्या हो जाता है सर सोडियम एसिटेट दिख रहा है इस तरीके से सोडियम एसिटेट बन जाता है फिर इसके बाद होता है सर सोडा लाइन सोडा लाइन क्या सोडा लाइन अब सोडा लाइन क्या होता है आप सभी को पता है बताता हूं मैं आपको सोडा लाइन में क्या होता है देखिए NaOH ले लिया अपन ने और अपने पास क्या होता है सब्जी CaO कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है तो ये बनाता है एन ए टू थ्री क्या बनाता है Na2CO3 टू थ्री देखिए ये पूरा चले जाएगा और ये पूरा चले जाएगा एन ए टू थ्री अब क्या बचा एच और सी एच थ्री क्या बन जाएगा सी एच फोर सर ये बनता है मीथेन। ये बनता है मीथेन। अब मीथेन का क्या करवाते हैं सर क्लोरीनेशन। मीथेन का क्या करवाते हैं क्लोरीनेशन? देखो कैसे सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करवाते हैं क्लोरीनेशन? तो भैया एक एससीएल हट जाता है यह बन जाता है सीएच थ्री क्या बन जाता है सीएच थ्री सीएल क्लोरोन अब मैंने कहा था सर मेरे को बनाना है इथाइन तो एक कार्बन से तो बनेगा नहीं अब लगाओ वोट्स रिएक्शन वोट्स रिएक्शन जानते हो ना कि नहीं जानते हो हाँ सर वोट्स रिएक्शन जानते हैं हम देखिए सर आपने पढ़ाई थी दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे इसके कितने मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल दो टू एन के साथ तो क्या हो जाएगा टू एन और सी एच थ्री सी एच थ्री जुड़ जाएगा ये।, ये बन गया आपका इथेन क्या बन गया आपका इथेन कोई दिक्कत है यहां तक <coughs> यह बन गया आपका इथेन मैंने कहा बहुत बढ़िया सही जा रहा है अब इसका करवाइए भैया इथेन हो गया ना अब इसका करवाइए भैया क्लोरीनेशन क्या करवाइए क्लोरीनेशन फिर से क्लोरीनेशन बेटा यह स्टेप जाएगी बड़ी तो यहां से क्या बनेगा CH3 थ्री सी एच टू यहां तक पहले देख लो पहले यहां तक देख लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी यहां तक देख लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है डन इतना हो गया इतना हो गया एक काम करते हैं ना अपन नीचे की तरफ चलते हैं ना रुक जाओ नर ना। देखो दिख रहा है कोई दिक्कत तो नहीं अब इसका करवाइए एल्कोहलिक तो क्या होता है केसीएल निकल जाता है और इससे एच ले लेता है तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड में ये देखो वेरी गुड सर ये बन चुका है हमारा अल्कीन क्या बन चुका है हमारा अल्कीन बहुत बढ़िया तरीके से क्या बन गया हमारा अल्कीन इसको देख लो जरा यहां तक पहले देख लो sir. अभी नहीं पहुंचे सर देख लो कितनी स्टेप हो गई एक दो तीन चार पांच छह स्टेप हो गई है अभी भी नहीं पहुंच पाए हमने कहा ठीक है सर पहुंच जाएंगे अब ले लो भैया बी आर टू से बी आर टू से तो क्या बनेगा सी एच टू बी आर और CH2Br टू बी आर देखो सी एच टू बी आर और ठीक CH2BR. है सर मैंने कहा बिल्कुल CH2Br टू बी आर सी एच टू बी आर अब फिर से लगा दो एल्कोहलिक KOH क्या लगा दो एल्कोहलिक KOH तो के बी आर जाएगा और एक साइड से हट जाएगा तो यह हो जाएगा CH2 टू डबल बॉन्ड सीएच बी आर सर यह बचेगा बिल्कुल कैसे सर देखिए के और बी आर चला गया और इधर का एक एच चला गया तो एक जगह पे CH बचा और बी आर लगा और ये हो गया सर अब एक लास्ट दो स्टेप बची है बस इतना कर लो पहले फिर अपन आगे बढ़ते यहां तक कर लो फिर मेरे को थोड़ा हटाना पड़ेगा फिर मेरे को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा फिर अपन आगे की बात कर पाएंगे भाई बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिर आगे की बात कर पाएंगे जल्दी 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 जल्दी, जल्दी कर दो यार भाई जल्दी कर दो जल्दी हो जाए तो बता दीजिए कहां तक हो चुका है <coughs> हो गया डन <coughs> <दायन। coughs> यहां तक बन गया अब देखो क्या करने वाले हैं ये जो बना है CH2 टू डबल बॉन्ड CHBr, बी आर इसकी रिएक्शन एनएनएच टू से किससे एन एन एच टू अब देखो क्यों करवा रहे हैं एनएनएसू से देखो एन ए बी आर ले जाएगा एन ए बी आर हो गया एक वैलेंसी इसकी फ्री एनएच टू एक एच ले जाएगा एनएच थ्री दोनों के बीच में एक एक वैलेंसी फ्री ये बन गया अल्काइन ये बन गया अल्काइन ये बन गया भैया अल्काइन जल्दी देख लो ये बन गया भैया अल्काइन जल्दी देख लो जल्दी 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 कोई भी दिक्कत हो फटाफट बताओ मेरे हिसाब से तो बिल्कुल क्लियर होगा क्लियर है <coughs> इतना क्लियर है ये बन चुका है अपना इथाइन अब बस एक स्टेप लगाऊंगा और बेंजीन बन जाएगा पहले इतना नोट डाउन करो इतना नोट डाउन करो जल्दी इतना नोट डाउन करो हो गया अब ये जो इथाइन है ये जो इथाइन है अब इथाइन के साथ से एक लास्ट स्टेप करनी है पहले आप बताओ मैं किसको पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया इधर लिख रहा हूं मैं मैं इधर लिख रहा हूं सिर्फ इसको डालेंगे रेड हॉट ट्यूब में काय में डालेंगे रेड हॉट ट्यूब में यह इथाइन है कितने मॉलिक्यूल लेने है? कितने मॉलिक्यूल लेने हैं कितने मॉलिक्यूल लेने हैं तीन ठीक है रेड हॉट ट्यूब तीनों मॉलिक्यूल अपने आप में जमेंगे और आपका सीधा सीधा बेंजीन तैयार कर लेंगे सीधा सीधा आपका बेंजीन तैयार कर लेंगे ये देखिए सर आपका तो ये थी सबसे बड़ी रिएक्शन ये थी सबसे बड़ी रिएक्शन अभी तक की जितनी आपने पढ़ी हुई है उसकी सबसे बड़ी रिएक्शन बोले तो एकदम कतई जहर टाइप रिएक्शन थी ठीक है एकदम हिला देने वाली कातिलाना वाली वो रिएक्शन थी आपकी चल आप यहां भी देख सकते हैं एनएएच बनाया पहले फिर सोडा लाइम से मिथेन बनाया फिर क्लोरीनेशन कराया वुड्स लगा के डबल किया फिर क्लोरीनेशन कराया एल्कोहलिक के डबल बॉन्ड बनाया बीआर टू से दोनों पे बी आर टू लगवाया बी आर बी आर लगवाया फिर एल्कोहलिक के बी आर और एक डबल बॉन्ड लाएनएच टू से उसको ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट किया और ट्रिपल बॉन्ड से आपने सीधे बेंजीन बना दिया तो भैया क्वेश्चन नंबर फोर्टीन था तो तगड़ा तो मांगता है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन था तो तगड़ा तो बनता है तो तगड़ा तो बनता है जल्दी देख लो एक बार जल्दी देख लो एक बार जल्दी कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं थी मेरे हिसाब से तो चीजें हंड्रेड परसेंट क्लियर थी कंफर्म लिया स्क्रीनशॉट डन <coughs> तो फाइनली यहां पर यह लेक्चर होता है खत्म बढ़िया तरीके से यहां पर यह लेक्चर होता है खत्म मैंने कहा ना बस आप लगे रहो सर पूरी जान से पूरी शान से एक तरफा तरीके से अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे बताओ अपन देख लेंगे बिल्कुल देख लेंगे कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी कहीं से कहीं तक कोई आंच आपको नहीं आने वाली अगर आए तो मुझे बताना अपन सबको देख लेंगे फटाफट एक तरफा तरीके से कैसे सर एक तरफा तरीके से डन ठीक है बाकी आपको लगे रहना है पूरे टाइम बस मेरे साथ जिस टाइम पे आ रहा हूं लेके आइए अपनी कॉपी पेन और खत्म करते चलिए सर इंटेक्स भी नहीं छोड़ रहे मतलब आप देख रहे हैं कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो केमिस्ट्री में छूट रहा हो एक एक करके हर टॉपिक को क्लियर किया जा रहा है मजेदार और शानदार तरीके से कोई दिक्कत की बात नहीं है बाकी आप जानते ही हो मैग्नेट ब्रेन के दो चैनल है बिल्कुल है ना यस सर सबको पता है ना ठीक है कभी कभी बच्चा भूल जाता है सर हिंदी मीडियम में बहुत परेशान होता है वो भी अवेलेबल है एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाए जाते हैं वहीं की बात करूं तो बिहार के साथ और सीबीएसई बोर्ड दोनों और वैदिक इंग्लिश ये भी करवाया जाता है शानदार और मजेदार तरीके से ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी अवेलेबल है बढ़िया और शानदार तरीके से जिसकी क्या बोलते हैं लिंक अवेलेबल है कहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी हंड्रेड परसेंट फ्री एजुकेशन आपको दी जाती है कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है. अगर आप चाहें तो सारे लेक्चर्स को मैग्नेट की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं बिल्कुल एट फ्री है कोई कॉस्ट वहां भी नहीं देना है बढ़िया तरीके से पढ़ते चलना है प्लेलिस्ट के फॉर्म में यही चीज आपको YouTube पे भी प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल रही है कोई दिक्कत नहीं है वहां से भी पढ़ेंगे तो भी मजा आएगा सब दबा के लाइक और शेयर होना चाहिए और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उससे आपको कल आने वाले सारे रिकॉर्डेड लेक्चर लाइव लेक्चर सब टाइमली मिलेंगे बढ़िया और शानदार तरीके से कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली तो अब मिलेंगे कल क्योंकि देखिए सर हाइड्रोकार्बन तो हो गया पूरे हाइड्रोकार्बन के इंटेक्स खत्म हो गए पास समाप्ति के तरफ तो कल मिलेंगे एक और नए लेक्चर के साथ तब तक ले बाय बाय थैंक यू सो मच जय हिंद